जिनका यद्यपि जन्म कुमातुत मैं सठ सदा सदोष आपन जानि न त्यागी है मोहे रघुवीर भरोस। भरोस का मतलब है विश्वास, हमें भरोसा है, विश्वास है निश्चित मिलेंगे। अच्छा तो चला जाए, कैसे मिलते हैं देखो, प्रयास किया जाए। भरत जी के साथ सब चले, अब देखो चलने में अंतर आ गया, चलने में अंतर। इसलिए कहते हैं कि भगवान के पास चल के जब आप जाते हैं तो किस भाव से जाएं, सबके भाव में अंतर है। क्या अंतर है सबके भाव में, जरा इस अंतर को समझना। भरत जी भी चल रहे हैं, अयोध्या वासी भी चल रहे, खैर गुरुजी का तो सर्वोच्च सम्मान है, वो तो आदर पूर्वक चलेंगे ही चलेंगे, नहीं तो शिष्य गुरु का आदर करते हैं, उनके चलने में हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन सत्यता तो ये है प्यारे कि भरत जी कैसे चल रहे और अयोध्या वासी कैसे चल रहे, बस इसी से भाव की पुष्टि हो जाएगी कि किस भाव से भगवान मिलते हैं। बोले गवने भरत कैसे चल रहे हैं, पयादहि पाए, पैदल चल रहे हैं, मतलब साधन से नहीं, ना हाथी पर बैठे, ना घोड़े पर बैठे, ना रथ पर बैठे, पैदल चल रहे और पदत्राण भी नहीं है। अच्छा तो और लोग कैसे चल रहे हैं भाई, ऐसे ही सब चल रहे होंगे? नहीं 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 नहीं, सब ऐसे नहीं चल रहे हैं। फिर कैसे चल रहे हैं, अब सुनो जरा, और आगे बड़ा अच्छा वर्णन है। गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाही डुरियाए। कोतल मानी घोड़े, ये घोड़ों की जाति है कोतल। तो ये संग जाही डुरियाए मतलब भरत जी के साथ घोड़े चल रहे हैं, लेकिन भरत जी बैठे नहीं हैं, खाली घोड़े चल रहे हैं। तो आप कहो महाराज और सब जितने अयोध्यावासी हैं, बोले सबके पास घोड़े हैं, सबके पास घोड़े हैं। हाँ तो हो सकता है कि इसलिए भरत जी नहीं बैठ रहे कि घोड़े पर सब नहीं बैठ पाते हैं, अभ्यास ही नहीं होता है बैठने का। किसी को बैठा दो बात अलग है, विवाह विवाह में आधा घंटा 20 मिनट को बैठा देते हो, ये अलग विषय है, लेकिन घोड़े की सवारी सब नहीं कर पाते हैं, अभ्यास की बात होती है प्यारे। और बैठ भी अभी वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, उतरते हैं चढ़ते हैं, कितना भय लगता है बैठने वालों को, है केदारनाथ आदि में सब, अब तो पालकी वालकी की व्यवस्थाएं हो गई। भरत जी शायद घोड़े पर इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि लंबी यात्रा है, भरत जी को अभ्यास नहीं होगा इसलिए। तो चाहे जैसा व्यक्ति हो, हाथी पे तो बैठ जाता है, क्यों भैया, एक तो चौड़ा बहुत होता है हाथी और आराम से चलता है, हाथी पर तो बैठ ही सकता, तो हाथी भी आ गया भरत जी के सामने, लेकिन हाथी पर भी नहीं बैठे भरत जी, इसका प्रमाण है आगे। हाथी आया, हाथी पर नहीं बैठे, घोड़े पर तो बैठे ही नहीं, पैदल ही चल रहे हैं। तब प्रश्न उठा कि कोई कह नहीं रहा है बैठने के लिए, इसलिए नहीं बैठ रहे। बोले नहीं, कहा जा रहा है, भरत जी से कौन कह रहा है, कहीं सुसेवक बारही बारा हो ये नाथ असु असुवारा। सेवक कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए। बारही बारा मानी अनेक बार, कई बार कहा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं बैठूंगा, तो हाथी सामने खड़ा कर दिया, कह इस पर बैठो। भरत जी ने कहा नहीं, हाथी पर भी नहीं बैठूंगा, क्यों, इसलिए राम पयादहि
पाय सिधाए, हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। हम कहाँ गज, गजमानी हाथी हो गया ना, रथ बाज बनाए। रथ, घोड़े, हाथी, इन सब का त्याग किया कि नहीं किया, क्यों किया, किसके कारण किया है, कि मेरा प्रभु मेरा ईश्वर बिना परित्राण के गया पैदल, हम हाथी घोड़े पर बैठ करके जाएं, ये मुझे शोभा नहीं देता है, मैं त्याग करता हूँ, मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। बोलो, ये भक्ति की पराकाष्ठा है नहीं, समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं, इसको कहते हैं समर्पण की पराकाष्ठा। आप कहोगे लेकिन अन्य अयोध्या वासियों के साथ घोड़े थे, ये क्या प्रमाण? प्रमाण है, हाथी थे प्रमाण है। देख सने लोग अनुरागे, उतर चले है गजरथ त्यागे। क्यों, प्रमाण मिल गया कि नहीं? अरे भाई, जब चढ़े थे तब ही ना उतरे, अगर हाथी घोड़ों पर न चढ़े होते तो उतरते कैसे? लेकिन उतर चले है गजरथ त्यागे। भरत जी ने किसी से कहा नहीं था कि हाथी घोड़े पर क्यों बैठे हो, लेकिन जब भरत जी ने डिमडिम नाद कर दिया कि राम पयादे पाए सिधाए, हम कहाँ गजरथ बाज बनाए, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, तो देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गजरथ त्यागे। सारे के सारे अयोध्या वासी हाथी घोड़ा रथ का त्याग करके सब पैदल चलने लगे, चलने लगे कि नहीं, इसको कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन बोलने से नहीं होता है, परिवर्तन आचरण से होता है। यदि हम आचरण स्वयं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हम बोलेंगे उसको सब स्वीकार करेंगे और वो शब्द समाज के लिए आचरणीय हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, लोग मानने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि उसका आचरण हम स्वयं कर रहे हैं। इसलिए और सुनिए अद्भुत बात, एक तो परिवर्तन ये हुआ कि सबने हाथी घोड़े त्याग दिए, सब चलने लगे पैदल। वशिष्ठ जी ने कहा, कौशल्या भरत को समझा दो कि पैदल भरत चल रहे हैं, ठीक है सारे लोग पैदल चलेंगे, लेकिन बहुत लंबी यात्रा है और राम तक पहुंचना है, और अभी पता नहीं राम हैं कहाँ, कितना समय लगे, शायद इस संकल्प की पूर्ति भरत तो कर लेंगे लेकिन शायद संपूर्ण अयोध्या वासी संकल्प की पूर्ति न कर पावे, कोई अस्वस्थ हो जाएगा, कोई मध्य मार्ग में ही बैठ जाएगा कि अब हमसे ना पीछे हटते बन रहा ना आगे बढ़ते बन रहा है, इसलिए वो एक ही जगह स्थित, पता नहीं किस किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी और उनमें प्रतिकूलताएं आएंगी, इसलिए समझा दो भरत को। तो कौशल्या जी ने भरत जी को समझाया, बस समझाते समझाते इतने पैदल चल दिए थे भरत जी के बस समीप में श्रृंगवेरपुर आ गया, और श्रृंगवेरपुर जैसी आया उसके पहले कौशल्या जी ने जब हट किया तो भरत जी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा दिया, बैठो मैं कह रही हूं। भरत जी रोते रोते रथ में चढ़े, लेकिन भरत जी को यह भान ही नहीं है कि हम पैदल चल रहे हैं या फिर रथ में बैठे, क्यों, उन्हें केवल श्री राम दिखाई दे रहे हैं, और श्री राम भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें भगवान के चरणारविंद विशेष रूप से दिखाई दे रहे हैं। राम लखन सिय बिना पग पनही कर बन बनही, यही दुख दाह दहे नित छाती, भूखन वासर नींद न रात।
राती। भरत जी को केवल राम जी के चरणारविंद दिखाई दे रहे। इतने में हुआ क्या कि श्रृंगवेरपुर से आवाजें उठने लगी भरत के विरोध में। किसी ने जाकर के श्रृंगवेरपुर के राजा से कहा, निषाद राज से, कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं और राम जी पर आक्रमण करना चाहते हैं। किसी ने कह दिया, निषाद राज ने कहा, अच्छा भरत की इतनी हिम्मत, उसको अयोध्या राज्य से संतुष्टि नहीं मिल रही है। आज वो चित्रकूट के घनघोर जंगल में श्री राम भद्र जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में बाधा पैदा करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। कि श्री राम जी के पास सेना नहीं है, ये श्रृंगवेरपुर का राज्य तो मैं राम जी के चरणारविंदों में समर्पित कर चुका हूं, इसलिए राम के पास बाद में भरत पहुंचेगा, पहले श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद से युद्ध करना पड़ेगा। और निषाद ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। अब सोचिए जरा, राम जी के चरणारविंदों में समर्पण करके, समर्पण का भाव लेके भरत जी जा रहे थे और यहां युद्ध के नगाड़े बजने लगे। एक और स्थिति बता दूं, अगर श्रृंगवेरपुर के सैनिक शस्त्र चलाना शुरू कर देते भरत के ऊपर, तो भरत जी शस्त्र का वार सह लेते लेकिन पलट वार नहीं करते, और ना अपने साथ में चलने वालों को ये आदेश देते। बोलो, देते क्या? नहीं देते। मैं कहता हूं कि शायद ऐसे ही संतों की कथा से प्रभावित महात्मा गांधी हुए होंगे, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मा का लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़े। शस्त्र नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने गीता हाथ में ली थी। बोलो, हाथ में शस्त्र लिया था कि गीता? शास्त्र, शास्त्र लिया। आगे बढ़े, सत्य पर आश्रित जीवन था, क्योंकि संतों ने ये बताया, शास्त्रों ने बताया कि जिसके साथ शस्त्र है उसी को विजयश्री मिलती है, और जिसके पास केवल शस्त्र है, जिसके पास सत्य है उसी को विजयश्री मिलती है, जिसके पास शस्त्र है उसे विजयश्री नहीं मिलती है। बोलो, सत्य जिसके हाथ में है। शस्त्र लेते हैं लोग, शस्त्र पर यकीन करते हैं कि शस्त्र से विजय मिलेगी, तो मैं कहता हूं कि शस्त्र तो कौरवों के पास ज्यादा था। बोलो, था कि नहीं? कौरवों की संख्या ज्यादा थी और शस्त्र भी ज्यादा थे कौरवों के पास। पांडवों के पास संख्या कम है और शस्त्र भी हैं, लेकिन उन्होंने सत्य पर ज्यादा विश्वास किया, शस्त्र पर विश्वास नहीं किया। तो बोलो, शस्त्र से विजय मिली है पांडवों को कि सत्य से विजय मिली है? सत्य से। इसलिए गांधी जी ने भी सत्य को ही हाथ में लिया है, गीता। यद्यपि क्रांतिकारियों ने बलिदानियां दी हैं, वो तो बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, आज भी हम उनके प्रति समर्पित होते हैं, और उन बलिदानियों के लिए हम सबकी तपस्याएं समर्पित हैं। आज जो सैनिक भी देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उन सैनिकों के लिए भी हम साधु संतों का भजन और साधनाएं समर्पित हैं। उन्हीं के लिए हम सब कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सब सैनिकों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। गोली सामने आती है, अगर गोली का भय व्याप्त हो जाए, वो भागना शुरू कर दें, तो ईमानदारी से बताओ हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो गोली सह लेते हैं, लेकिन एक बार गोली सहते सहते कहते, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही शब्द निकलता है मुख से, और दूसरा कोई शब्द नहीं निकलता है।
भारत माता का नाम लेकर शहीद हो जाते हैं। याद रखना, उनके साथ शस्त्र की ताकत नहीं है, हमारे भारतीय सैनिकों के साथ सत्य की ताकत है। इसलिए भारत विजयी होता है और भारत सदा विजयी रहेगा, क्योंकि सत्य की ताकत है और सत्य स्वरूप परमात्मा है। इसलिए भरत जी ने किसका सहारा लिया? सत्य का। सत्य को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन निषाद राज ने सभी सैनिकों के हाथ में शस्त्र पकड़ा दिए, आक्रमण करो, आक्रमण करो। श्रृंगवीरपुर रणस्थली बनने जा रहा है। श्रृंगवीरपुर का इतिहास रक्त रंजित होने वाला था, लेकिन रुक गया। वो रुका कैसे? क्योंकि सत्य जो है वृद्ध बन करके निषाद के सामने खड़ा हो गया। देखो भाई, जो भरत के साथ सत्य चल रहा था, वो सत्य जो है एक बूढ़ा का स्वरूप धारण करके किसके सामने पहुंच गया? निषाद राज के सामने पहुंच गया। इसलिए बूढ़ा यदि सामने आ जाए और किसी संघर्ष की योजना बन रही हो, बूढ़ा आकर के समझाने लग जाए, तो ध्यान से उसकी बात को सुन लो, एक बार मन लगा के जरूर सुन लो। अगर सुनोगे नहीं तो हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए बूढ़े की बात जरूर मान लो, सुन लो उसकी एक बार। इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं, खासतौर से तो नौजवानों को कथा ध्यान से सुननी चाहिए। अच्छा हुआ कि सभा में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आजकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके पास मोबाइल रहते हैं, तो कभी कभी जो इन प्रवचन निकल आता है तो सुन लेते हैं। क्यों भाई? तो इससे लाभ तो हो रहा है, क्योंकि सभा में वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके पास वो साधन है तो सुन लेते हैं। हमारा प्रवचन तो बहुत आता है, और भी तमाम संतों का आता है, सबका सुनते हैं। जिसका जिसको अच्छा लगता है, समझ में आता है, उसका सुनते हैं। तो ये सत्य था जो वृद्ध की चर्चा आती है रामायण में, वो भरत जी के साथ पहले निषाद से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए सेना भेज रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा कि मैं अभी भरत के पास से ही चल के आ रहा हूं। देखो सत्य है ना, वो कौन है? सत्य है जो भरत जी अपने साथ लेके चले थे सत्य को, वही सत्य। बूढ़ा बन के कहता, मैं वहीं से तो आ रहा हूं और तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो निषाद बोला कि कहां रहते हो? उस बूढ़े ने कहा, मैं कहां नहीं रहता हूं, लेकिन कोई मुझे स्वीकार करे तब ना। अरे अच्छा, बोलो भाई सत्य कहां नहीं है? सत्य तो सब जगह है, लेकिन सत्य को स्वीकार करे कोई तब सत्य रहेगा। और नहीं है तो सत्य सर्वत्र है कि नहीं? लेकिन सत्य की सत्ता को कोई स्वीकार करे तब। उस बूढ़े ने कहा कि तुम पहचान नहीं रहे हो, मैं तो सर्वत्र हूं, सब जगह हूं। मैं आपके यहां भी रहता हूं श्रृंगवीरपुर में, और जहां जहां भी ये भूखंड है वहां वहां मैं हूं, जहां जहां जल है वहां वहां मैं हूं, कण में तृण में जल में सर्वत्र परिव्याप्त हूं, कहां नहीं हूं। अरे कहे, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी नजर आ रहा है बूढ़ा। कहे सुनो, हमारी बात मानो तो मैं कहूं, और नहीं तो तुम्हें जो दिखाई दे सो करो। कहे नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं, आपकी बात में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। कहे कितने साल की उम्र है? उसने कहा, मेरा महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता है, तुम कहते हो कितनी उम्र है? वो बूढ़ा बोला, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं है, महाप्रलय में भी उसका अंत नहीं होता है। वो तो वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनुषास्मरामि, इसलिए सत्य तो परमात्मा ही है। कहा कि उम्र की बात कर रहे हो? अरे महाप्रलय में भी मेरा विनाश नहीं होता है। तब तो उसके कान खड़े हो गए कि भैया ये तो बड़ा विचित्र बूढ़ा है, ये महाप्रलय में भी नहीं मरता है। कह सुनाओ क्या बात है? बात यह है
भरत युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। फिर राम ही भरत मनावन जाहिं, रूठे हुए राम को मनाने जा रहे हैं भरत, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये सब इतनी लंबी चौड़ी भीड़, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी क्यों? क्योंकि अयोध्या की प्रजा है, क्या है? प्रजा है। यदि रूठे राम वापस नहीं लौटेंगे तो साथ में अयोध्या का राज मुकुट भी जा रहा है। भरत के मस्तक पर नहीं है लेकिन राज मुकुट जा रहा है। यदि नहीं लौटेंगे तो जहां भी प्रभु होंगे अयोध्या का मुकुट वहीं उनके मस्तक पर रख दिया जाएगा और सारी प्रजा उनको समर्पित कर दी जाएगी, सारी प्रजा उन्हें समर्पित कर दी जाएगी। अब तो हृदय, बोलो, शब्द ने, शस्त्र ने हृदय बदला कि शब्द ने? शब्द ने हृदय बदला कि नहीं बदला? शस्त्र अस्त्र ने नहीं, शब्द ने हृदय बदल दिया। और जैसे ही हृदय बदला तो निषाद कहता है कि ऐसा विचार भरत का है? कहाँ, मैं बूढ़ा हूं, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं वहीं से आ रहा हूं और मेरे जो शब्द निकल रहे हैं वो श्रृंगवेदपुर के लिए शुभ संकेत हैं, शुभ सगुन हैं, शुभ सगुन। इन पर अगर विश्वास कर लोगे तो सगुन ही सगुन है, मंगल ही मंगल है, और अगर विश्वास नहीं करोगे तो अमंगल ही अमंगल है, पूरा विनाश ही विनाश है। बस इतना ही कह रहा हूं, अब समझ लो, जैसा निर्णय लेना हो वैसा लो। तो निषाद ने कहा कि हम राजा हैं और राजा के पास चार प्रकार की नीतियां होती हैं राज्य चलाने के लिए, साम दाम दंड भेद। तो हम अपनी नीतियों के अनुसार भी डिसीजन लेंगे। उस बूढ़े ने कहा वो डिसीजन ले लो ये अलग बात है, लेकिन क्या डिसीजन ले रहे हो थोड़ा मुझे भी सुना दो, मुझे भी सुनाओ। इसलिए जो भी डिसीजन लो पहले भगवान को सुनाओ, ना मित्र को सुनाओ, ना परिवार में किसी को सुनाओ। जो डिसीजन ले रहे हो पहले किसे सुनाओ? भगवान को सुना दो। आभास हो जाएगा निश्चित रूप से कि हम गलत करने जा रहे हैं क्या सही करने जा रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। और नहीं तो किसी अपने मित्र या मनुष्य के सामने डिसीजन लिया तो वो पानी और रखेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, करो, बोलो, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? संसार के लोग तो यही कहेंगे, यही स्थितियां हैं, यही कंडीशन हैं, क्या बताऊं आपको। इसलिए तो विडंबनाओं के दौर से समाज गुजर रहा है, विडंबनाओं के दौर से समाज गुजर रहा है। प्यारे, जो भी मन में बात आए उसको भगवान से सुनाओ पहले, बोलो भाई। बस ये संकल्प हम लोग यही करते हैं, क्रोध तो हमें भी आता है, लोभ भी हमें सताता है, लेकिन हम पहले उस क्रोध को भगवान के पास जाके ले जाते हैं, लोभ को भगवान के पास जाके ले जाते हैं। जो भी दोष जन्य स्थितियां हैं, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, दोष हो चाहे निर्दोष का स्वरूप हो, वो सब भगवान को पहले अर्पित कर देते हैं। लो प्रभु, बस। सो भगवान अनन्यास चिंतियंतो माम ये जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान तुरंत हाथ में ले लेते, अरे तुम तो हमारे वहां जाओ, अब हम लेंगे निर्णय जो करना होगा। हैं, करौं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। इसलिए जो भी निर्णय लो वो भगवान को सुना दो कि प्रभु ऐसा ऐसा आ रहा है, अब आप बताइए। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, फिर अंदर से प्रेरणा होगी। फिर तो हुई है वही जो राम रच, राखा को कह तरक बढ़ावे साखा। लेकिन आज देखो क्या इतिहास पूरा जो है बदल रहा है। अगर वो सत्य न पहुंचता तब तो मारधार शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती, कंफर्म। और एक बात और बता दें, भरत के ऊपर कहीं आंच आ जाता तो भगवान चित्रकूट से वापस श्रृंगवेदपुर आते और निषाद से निपटते। एक बात और सुन लो, हाँ, बर्दाश्त नहीं करते कि तुमने ऐसा अनुचित निर्णय ले लिया।
जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रसायन काऊ, लेकिन जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। और सबसे बड़े भक्त भरत हैं कि नहीं, सबसे बड़े भक्त संत कौन हैं? भरत हैं। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, क्या नीति से निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय नीति से लोगे? ये है कि भरत के पास हम जाएंगे, लेकिन भरत की हम परीक्षा लेंगे, और परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो गए भरत तब तो हम समझ लेंगे कि हाँ ये सत्य है, और अगर अनुत्तीर्ण हो गए फेल हो गए तो फिर समझ लेंगे कि वो तो सोचना ही व्यर्थ है, बेकार का सोचना है। कहे नहीं, भरत तो उत्तीर्ण होंगे, नहीं है विश्वास तो परीक्षा ले लो। वैसे उस सत्य ने कहा कि संत की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा, संत आ जाएं, संत मिल जाएं, प्रतीक्षा। अब तुम नहीं मानते हो तो परीक्षा लो, ले लो परीक्षा। परीक्षा लेने के लिए निषाद राज जी आगे बढ़े। परीक्षा में ले क्या रहे हैं? उस संत ने कहा कि परीक्षा लेने जा रहे हो, लेकिन कुछ देने भी जा रहे हो कि नहीं, कि लेने ही लेने जा रहे हो? साधु से लेना ही सीखे हो कि कुछ देना भी सीखो? कहे हाँ देंगे। क्या? बोले भेंट देंगे। साधु को क्या देंगे? भेंट देंगे, वो भेंट के माध्यम से परीक्षा लेंगे। अच्छा भेंट, क्या भेंट ले जाओगे? संत के सामने तुम लोग जाते हो तो फल ले जाते हो, क्यों भैया? मिष्ठान ले जाते हो, हैं द्रव्य आदि ले जाते हो, ले जाते हो। यही भेंट के, संत के पास जा रहे हैं, भेंट के देखो ये सब फल, फल कितने रखे हुए हैं, प्रसाद बढ़िया आ गया चकाचक। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल, कंद मूल फल, कंद मूल फल बड़ी बड़ी टोकनियों में डलियों में रख लिए, काले चलो आएंगे। जब कंद मूल फल लेकर के, ये तो उचित है कि भैया कंद मूल फल जो है साधु संत के पास ले जाया जाए, लेकिन फिर पीछे वाले सेवकों से कहा कि खग मृग मांगे। खग मानी होता है पक्षी, और मृग मानी होता है पशु। मृग मानी क्या है? पशु। और खग मानी पक्षी, पंखे होते हैं, खग संस्कृति है ना पक्षियों। खग मृग मांगे, कहा पशु पक्षी और ले चलो, ये तो गड़बड़ है भैया। तुम केला ले आओ, सेब लाओ, अमरूद लाओ, संतरा लाओ, मौसम्मी लाओ, बूंदी लाओ, बढ़िया नुक्ती बूंदी ये रखिए, देखो केला लाओ, ये तो ठीक है, लेकिन भेड़ बकरियां लाओ कान पकड़ के, महाराज सब समर्पित हैं आपके लिए, ये तो अनुचित नहीं हुआ। क्यों भाई? अनुचित हुआ ये। और यहाँ देखिए निषाद राज ने पहले कंदमूल फल भेज दिए, रामायण का प्रमाण दे रहा हूँ, वैसे तो नहीं सुना रहा हूँ, रामायण की कथा, कंदमूल फल लेकर के भेजा, ये मर्यादा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर जो है खगमर्ग का, उनको भी ले चलो, तो खगमर्ग आदेश मिला तो खगमर्ग लेकर के भी चलने लगे सेवक। इतने पर संतोष नहीं मिला निषाद राज को, तो कहा मछलियां और ले चलो, मछलियां और ले चलो, भर लो मछलियां, बड़े बड़े डला डलियों में, बड़ी बड़ी टोकनियों में, डलियों में भर लो, भर लो मछलियां। तीसरी चौपाई है रामायण की, ये इस प्रसंग की भेंट में तीसरी चौपाई। मीन पीन, मीन मानी मछली होती है, होती कि नहीं? मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कारण
आने कहारों ने भली मछलियां। कहे क्या? बोले ले जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं संत की। बड़ी विचित्र बात हो गई साहब। उस बूढ़े ने कहा कि ये सब तमाशा कर रहे हो तुम, ये मछलियां ले जाने की क्या जरूरत है, ये पशु पक्षी ले जाने की क्या जरूरत है, संत भरत का तुम अपमान कर रहे हो, ये तो संत का अपमान है। भरत जैसे संत का अपमान करोगे तो राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत कर करई। हाथ जोड़ के निषाद कहता है, सुनिए तो, कंद मूल फल सात्विकता के प्रतीक हैं। क्यों, किसके प्रतीक हैं, जल्दी बोलो, सात्विकता के प्रतीक हैं कि नहीं? सात्विकी प्रवृत्ति, सात्विकता का स्वरूप परिलक्षित होता है कंदमूल फल में। प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? तीन ही होती हैं, राजस, सात्विकी, राजसी और तामसी, तीन प्रवृत्तियां होती हैं। जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है उसकी दृष्टि उस पर जाती है, उस वस्तु पर जाती है। क्यों भैया? जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति के अनुसार दृष्टि वस्तु पर जाती है कि नहीं जाती है? निश्चित रूप से जाती है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई तंबाकू खाने वाला बैठा हो, मान लीजिए, हैं, या गांजा पीने वाला बैठा हो, और हम झूठे ही यहां मंच से ऐसे करने लगे तो जितने गांजा वाले तंबाकू सब ऐसे करेंगे, समझ में आ जाएगा ये सब गजड़ी और तंबाकू वाले बैठे। क्यों भाई, समझ में आ जाएगा कि नहीं? भले ही हम झूठा झूठे ही ऐसे करें, अपनी गर्दनें जो जो जिस दृष्टिकोण वैसा ही होगा ना, तो गर्दनें उठेंगी कि नहीं उठेंगी? हैं, ऐसे ही जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसकी दृष्टि पहले उसी पर जाती है, उसी वस्तु पर जाती है। तो निषाद कहता है कि भरत की दृष्टि यदि कंद मूल फल पर गई तब तो हम समझ लेंगे कि सात्विक प्रवृत्ति के भरत हैं, इसलिए मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर भरत की दृष्टि खग मृग पर गई तो हम समझ लेंगे कि इनकी राजसी प्रवृत्ति हो गई है, अपने को राजा सुनिश्चित मान चुके हैं, क्योंकि राजा की दृष्टि मृग पर जरूर जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? ये राजसी प्रवृत्ति का द्योतक है। और यदि भरत की दृष्टि मीन पीन पाठीन मछलियों पर गई तो समझ लेंगे कि तामसी प्रवृत्ति है, निश्चित है युद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तामसी स्वरूप होता है ना, इसमें मछली आदि है सर। उस सत्य ने कहा बूढ़े ने कि सुन, तू राजा है, तेरे पास प्रभुता है और भरत के पास प्रभु है। क्या है? प्रभु है। और जिसके पास प्रभु होते हैं वो प्रवृत्तियों से परे होते हैं, समझ गए हो कि नहीं? वो प्रवृत्तियों से परे होते हैं, ना भरत की दृष्टि कंद मूल फल पर जाएगी और ना भरत की दृष्टि खग मृग पर जाएगी, ना भरत की दृष्टि मीन पीन पाठीन मछलियों पर जाएगी। भरत की दृष्टि, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं निषाद राज, भरत की दृष्टि तो वहां पड़ रही होगी जहां श्रृंगवेरपुर में प्रभु के चरण पड़े होंगे, वहीं भरत की दृष्टि पड़ रही है। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, और विश्वास नहीं है तो आगे चल के देख ले। वो तो सत्य बोल रहा था ना, बूढ़ा का रूप जरूर धारण किए था, लेकिन वो था कौन? सत्य था। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो सत्य था, इसलिए चल करके देख ले, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य होगा, बस विश्वास तुझे करना है। निषाद ने कहा, देख, देखता हूं, चलता हूं, आगे बढ़ो। जैसे ही सेना को साथ लेकर निषाद और वो तीन प्रकार की भेंट आदि की व्यवस्थाओं को आगे लेकर खड़ा हुआ तो भरत जी देख ही नहीं रहे थे सिर उठा के।
भरत जी सिर उठा के ही नहीं देख रहे थे प्यारे, भरत का सिर नीचे झुका हुआ था, नीचे झुका हुआ था, आंसू गिर रहे थे। और जैसे ही नीचे देखते 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 आहा, भरत जी का हाथ नीचे आ गया। और जैसे ही भरत जी का हाथ नीचे आया, क्यों आया हाथ नीचे, क्योंकि वह स्थल, वह भूमि दिखाई दे गई श्रृंगवेरपुर की, जहां प्रभु का चरण पड़ा हुआ था। ऐसा है, संसार के लोग धूल में चरण रख दें, वो समाप्त हो जाएगा आकार प्रकार, लेकिन भगवान का चरण जहां पड़ जाता है वो अचल तीर्थ बन जाता है प्यारे, फिर वो हटता नहीं है इधर उधर, वो तो तीर्थ बन जाता है। चरण राम तीर्थ चली जाही, इसलिए भगवान का चरण पड़ा। भगवान के चरणों में जो चिन्हित रेखाएं हैं वो सब रेखाएं दिखाई दी। भरत का हाथ नीचे आया और भरत ने उस रज को उठाया, आंखों से लगाया, मस्तक से लगाया। चरण रेख रज ने नन लावही, और रघुबर मिलन सरस सुख पावे। भरत जी को तो राम मिल गए, प्रभु मिल गए, अब कौन देखे कंदमूल फल को, हैं? कंदमूल फल पर कौन देखे भाई, ये तो राम प्रभु की प्राप्ति तो फल का फल है। क्यों भाई, प्रभु की प्राप्ति क्या है, फल का फल। जब भरत को फल का फल मिल गया, रघुवर मिलन सरस सुख पावे, चरण रज मिल गई, भरत ने नेत्रों में लगा लिया, मस्तक में लगा लिया। उस सत्य ने कहा, देख आंख खोल करके, ये तेरे तीनों भेंट सामने हैं, लेकिन किसी की ओर देखा भरत ने? ये जो रज उठाई है, ये जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे श्रृंगवेरपुर में, बस वो दिखाई दे गए, उन्हीं चरण रज को मस्तक में लगा रहे हैं, नेत्रों में लगा रहे हैं भरत, ये हैं भरत। उसी समय त्राह इमाम कह करके निषाद साष्टांग प्रणिपात करने लगा, गिर पड़ा। अब बोलो भाई, संघर्ष समर्पण में बदल गया कि नहीं बदल गया? संघर्ष होने वाला था लेकिन समर्पण में बदल गया। बदला किसने, शस्त्र ने कि सत्य ने? सत्य ने। आज सत्य ने संघर्ष को समर्पण में बदल दिया प्यारे। करत दंडवत देखते ही, करत दंडवत देखते ही। लेकिन जब भरत जी देखते नहीं थे तो फिर देखा कैसे निषाद? एक भाव तो इसमें यह है कि जब तक निषाद खड़ा रहा तब तक भरत की दृष्टि नहीं पड़ी, लेकिन जब पृथ्वी पर गिर गया तो भरत भी झुके हुए थे, पृथ्वी का दर्शन कर रहे थे। और पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु पड़ी हो और हमारी नजर पृथ्वी पर हो तो वो वस्तु दिखाई देगी कि नहीं देगी, बोलो? दिखाई देगी। तो एक भाव तो इसमें ये है कि करत दंडवत देखते हैं, जैसे वो पृथ्वी पर गिरा और भरत जी भूमि का दर्शन कर रहे थे तो निषाद पर दृष्टि पड़ गई। और दूसरा भाव इसमें एक और है, दूसरा भाव ये है कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जरा सिर उठा के देखो तो सामने। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं किसी को नहीं देखना चाहता, इस संसार में मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूं, केवल राम को देखना चाहता हूं, राम के अलावा मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूं। तो स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया, कि ना तो कंदमूल फल की ओर देख रहे हैं, ना खगमृग ना मीन पीन, कहीं दृष्टि किसी की ओर नहीं देख रहे, संसार की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं जा रहा। भरत जी ने कहा कि मैं देखूंगा तो, लेकिन अपने प्रभु राम को देखूंगा। क्या राम का दर्शन कराएंगे आप? तो वशिष्ठ जी के मुख से निकल गया कि राम तो नहीं है लेकिन राम सखा सामने है, राम सखा। आकर्षण पैदा हो गया। राम सखा सुन सिंदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा, करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाए, ओ मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। भरत जी ने उठाया और निषाद को हृदय से लगाया, लेकिन यहां एक संकेत मिल रहा है, वो संकेत ये है कि भरत लीन और लाए मनहु लखन सन भेंट भई।
ऐसा ही लिख देते गोस्वामी जी, मनहु राम सम सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समाय, मनहु राम सन भेंट भई, राम जी से भेंट भई, ऐसा लिख देना चाहिए था। लेकिन मनहु लखन सन भेंट भई, लक्ष्मण का नाम क्यों आया है? प्रेम करते हैं राम से, लेकिन अनुभव कर रहे हैं लक्ष्मण का। प्रेम किससे कर रहे हैं? राम से। अनुभव कर रहे हैं लक्ष्मण का, है वो राम सखा, तो राम का अनुभव होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण का अनुभव क्यों हो रहा है राम सखा में? बड़ी अद्भुत बात है, सुनिए। जिस समय प्रभु श्री राम घास पत्ते आदि के सैया पर विश्राम कर रहे थे, पहले नीचे घास, ऊपर से पत्ते बिछाए गए, बलिया हरे हरे पत्ते भी बिछाए गए, प्यारे ताजे पत्ते, हरे पत्ते, बस भगवान के लिए विश्राम सैया बनाई गई श्रृंगवेरपुर में। भगवान उस सैया पर सो रहे हैं, ये प्राकृतिक सैया है, बोलो है कि नहीं? पत्तों की सैया प्राकृतिक सैया है, उस पर भगवान लेटे हुए हैं। अच्छा, अनुभव कैसा हो रहा है? देखने वालों को अनुभव ठीक नहीं लग रहा है, हैं? लेकिन भगवान को अनुभव अच्छा लग रहा है, क्यों? परमात्मा स्वयं प्रकृति है, और आज प्रकृति को प्रकृति मिल गई तो आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों भैया, आनंद मिलेगा कि नहीं? और एक बात बताएं, अयोध्या का संकेत है कि जिस समय भगवान श्री राम को ये समाचार मिला कि मैं वन जाना चाहता हूँ, मुझे वनवास मिल गया, तो मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु, भगवान प्रसन्न हो गए, क्यों? प्रकृति का वास। तो यहाँ पत्तों पर सो रहे थे प्रभु सीताराम जी, तो निषाद राज रो रहा था, वो कह रहा था के कई नन्नन मंद मति कठिन कुटिल पन कीन, जय रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। ये मंद मति वाली केकई, आज इसने ये विडंबना कर दी कि आज पत्तों की सैया पर सोना पड़ रहा है सीताराम जी को, केकई को दोष लगा रहा था। कौन? निषाद रो रहा था, भगवान सो रहे थे, निषाद रो रहा था, दोष केकई को लगा रहा था, लेकिन लक्ष्मण ने डांटा, चुप, तुम अज्ञानी हो, बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, केकई का कोई दोष नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फालतू की बात करते हो तुम कि केकई ने वनवास दे दिया केकई जी के कारण दुख। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब, अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं, इसलिए पत्तों की सैया मिल गई है, ये कर्मों का फल है। सावधान, निषाद राज रो रहा था, राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी जाग रहे थे, निषाद भी जाग रहा था लेकिन रो रहा था। परंतु रात्रि भर समझाया किसने निषाद? लक्ष्मण जी ने समझाया, राम जी ने नहीं समझाया। और जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो निषाद का जो विषाद था वो दूर हो गया। तो निषाद का विषाद किसने दूर किया? लक्ष्मण ने। यदि मेरा उपदेश आपका विषाद दूर कर रहा है तो मैं गुरु हूं कि नहीं हूं, बोलो? क्योंकि मेरे उपदेश ने आपका विषाद दूर कर दिया है तो आपने मुझे क्या मान लिया? गुरु। निषाद राज जी ने भी लक्ष्मण को अपना गुरु मान लिया, इसलिए इसका नाम है प्रसंग का लक्ष्मण गीता। क्या नाम है? लक्ष्मण गीता। ये लक्ष्मण गीता, निषाद राज ने लक्ष्मण गीता सुनी है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता अर्जुन ने सुनी, ऐसे ही श्रृंगवेरपुर के मैदान में लक्ष्मण जी महाराज के मुख से जो उपदेश, यानी श्री कृष्ण का जो उपदेश है, वही तो भगवत गीता है, बोलो है कि नहीं? ऐसे ही लक्ष्मण का जो उपदेश है निषाद के लिए, वो लक्ष्मण गीता है।
और लक्ष्मण गीता ने, श्रीमद् भगवद गीता ने अर्जुन का विषाद दूर किया है, लक्ष्मण गीता ने निषाद का विषाद दूर किया है।